लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मेनू ओ बाद पता कि मेरी बच्ची की छत से मिली रोशनी भी मकान करनी है तो पांच पहला मैं मुफ्त भेजे मेरे घर से रोशनी हुई फिर प्रधानमंत्री जी भी पता कि इन्होंने चूल्हा भी चलाना है बच्चे रोटी भी चलानी है तो उन्हें गैस सिलेंडर से गैस का चूल्हा भेजे और बाद मुझे पता इन्हें अपने बच्चे का पेट भरना है रोटी खिलानी है तो मिट्टी मुफ्त राशन भेजा जो प्रधानमंत्री एक राशन तो नहीं है पक्की छत तक ख्याल करा मैं बहुत उसी भी देख रही किसी देख यहाँ बैठी है आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि तीसरी बार जो हमारी अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसकी आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके साथ ही जो यहाँ से हमारे सांसद जीते हैं आदरणीय भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उसके भी आप सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ कि इस बार जो मतदान हुआ था उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था 50% हमारी आबादी तो है ही महिलाओं की लेकिन जो मतदान हुआ था तो पुरुषों से ज़्यादा आपकी इस जो हमारी लोकसभा थी उसमें महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया है खुद भी वोट किया है और दूसरों को भी प्रेरित करके उनका भी वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के वोट में डाला है ये सारा श्रेय जो है आप सभी महिलाओं को जाता है सभी को मेरा जय श्री राम क्योंकि मुझे 2 मिनट मिले बोलने के लिए और 2 मिनट आपका थैंक्स करने के लिए और जितने भी मेरी मातृशक्ति आई है और मेरी रेखा बहन मंडल प्रधान हमारी सुनीता और मंडल प्रधान हमारी शारदा जी जिन्होंने जिन चार चार बताए जिन्होंने इतनी मेहनत की एक सभी जो श्रेय मेरी बहनों को जाता है जिन्होंने जो मेहनत की और मेरे रवि भाई अभिनंदन भाई जी मेरे सुनील भाई जितने भी मेरे भाई हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे रवि कौर भाई जी मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और मैं अपनी मातृशक्ति से जी कहना चाहती हूँ कि हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए सोचा है पहले जब भी किसी के घर में बेटी होती थी उसको वो सोचते थे अब वो बेटियाँ जब भी घर आती हैं ढोल पत्तों के साथ लाते हैं पहले ऐसा नहीं था और हमारे जी श्री सब हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है जिन्होंने हमारी महिलाओं के लिए बेटियों के लिए सोचा और मैं सभी महिलाओं से ये अनुरोध करूंगी हमारे आने वाले अभी विधानसभा इलेक्शन है और विधानसभा इलेक्शन में हमारी मातृशक्ति जैसे पहले हमारे संसद में बैठे डॉक्टर साहब उनको बहुमत दिला के वहां से भेजा वैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों के लिए सक्रिय रहती है हमारा हर कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है कोई स्पेशल चुनावों की बात नहीं है लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो है पार्टी मजबूत रहे ज़मीनी स्तर पे पार्टी का हर कार्यकर्ता लोगों से जुड़ा रहे उसके लिए पार्टी ने एक जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी श्रृंखला में ऐसे सम्मेलनों का आयोजन किया है जिसमें सभी मोर्चे जो हैं वो आए दिन अपना कोई ना कोई सम्मेलन विधानसभा शाह असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कर रहे हैं आज उसी कड़ी में महिला मोर्चा कठुआ द्वारा कठुआ जिला महिला मोर्चा द्वारा आज हीरानगर विधानसभा में आज हीरानगर विधानसभा में एक महिला सम्मेलन जो आपने देखा मरीन के इस पैलेस में जो हुआ है हज़ारों की तादाद में सौ की तादाद में जहाँ महिलाएँ जो है यहाँ आई हैं और हमने उनसे बातचीत भी की है उनके दुख दर्द को भी जाना है और अपनी बात भी उन तक पहुँचाई है कि आज के इस संदर्भ में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब से 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है महिलाओं के लिए उन्होंने एक रेवोल्यूशन एक चेंज जो है
पिछले 70 सालों में जो महिलाओं के लिए नहीं हुआ था वो मोदी जी ने इन 10 वर्षों में किया है। उस सारी स्कीम्स को लेकर, उस सारी योजनाओं को लेकर आज महिलाओं से बात की है और मुझे बड़ा प्रसन्नता भी हो रही है कि जिन महिलाओं से भी हमने बात की है उन्होंने भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और मोदी जी के प्रति अपना आशीर्वाद और गहरी उन्होंने अपना एक प्यार उनके प्रति जताया है कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसने महिलाओं को, जो महिलाएं जो शौचालय के बगैर 70 साल देश को आज़ाद हुए होंगे, आज भी 2014 से पहले देश की स्थिति ऐसी थी कि महिलाओं को शौचालय घरों नहीं थे, स्कूलों में शौचालय नहीं थे बच्चियों के लिए, आज हर स्कूल में हर घर में शौचालय बने हैं, आज हर महिला का बैंक में अकाउंट है, आज हर महिला जो धुएं से पीड़ित रहती थी जब चूल्हा अपना जलाती थी आज उनके घर में गैस के सिलेंडर पहुंचे हैं, आज हर महिला को चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हर बच्ची को सम्मान मिला है, ऐसी कई योजनाएं जो है आज महिलाओं के साथ डिस्टेंस करके हमें भी बड़ी प्रसन्नता मिली है कि आदरणीय मोदी जी के प्रति महिलाओं का इतना प्यार देख के। इसी तरह इसी कड़ी में हर जगह ये सम्मेलन जो है पार्टी कर रही है। मैं कठुआ जिला की जिला अध्यक्षा सुषमा जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में आज महिलाओं का सैलाब जो है मैं ये कहूँगा कि आज मरीन की इस धरती पर लाया है और सभी महिलाएं प्रसन्नता से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात सुनकर यहाँ से गई हैं। मैं धन्यवादी हूँ यहाँ की जो हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं जो विशेष इस कार्यक्रम के लिए जम्मू से चल के आई हमारी संजीता डोगरा जी और हमारे जिला के अध्यक्ष गोपाल महाजन जी जो लगातार आपने देखा कठुआ में गतिविधियां पार्टी की बढ़ाते हैं, हमारे आज के मुख्य वक्ता हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन इंद्रजीत समयाल जी और सभी हमारे भाई बहन जो इस कार्यक्रम के लिए मेहनत कर रहे थे, मैं सबका आज के इस कार्यक्रम के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जम्मू कश्मीर में महिला मोर्चा की ओर से इसी तरह से जितने भी हमारे ज़िले हैं हर एक ज़िला की विधानसभा में इसी तरह से महिला मोर्चा के जो हैं वो कार्यक्रम हो रहे हैं महिला मोर्चा सम्मेलन करके। सिर्फ महिला मोर्चा का ही नहीं, जितने भी हमारे मोर्चे हैं हर एक मोर्चा का इसी तरह से सम्मेलन हो रहा है। तो आज हमारे ज़िला कठुआ के हीरानगर विधानसभा में आज का सम्मेलन था, तो मैं यहाँ के ज़िला अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बड़ा अच्छा सफल ये हमारा सम्मेलन रहा। तो अभी तक लगभग हमारे 25-30 सम्मेलन जो हैं वो हो चुके हैं, तो हर एक जगह हमें बहुत सी ऐसी महिलाएं देखने को मिल रही हैं जो कि खुद वहां पर आ रही हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि प्रधानमंत्री जी ने इतना कुछ महिलाओं के लिए किया और आने वाले समय में और क्या क्या करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहले मैंने इन बहनों को बधाई दी है कि भाई जो तीसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी उसकी बधाई इन बहनों को। उसके बाद जो हमारे सांसद यहाँ सर जीत कर आए हैं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी, उनकी इनको बधाई दी और आने वाले समय में हो सकता है कुछ ही देर में हमारी इलेक्शंस हो, इन बहनों से यही निवेदन किया है कि आने वाले समय भी जैसे इन्होंने लोकसभा में अपना योगदान दिया है आने वाले समय में भी हम ही सभी महिलाओं को इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ देना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साथ देना है। क्योंकि आज हम जो मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कारण, इससे पहले कांग्रेस एनसी पीडीपी कितनी सरकारें रही थी कभी भी बहनों को आगे आने का मौका नहीं मिला और ना ही कभी उनको मान सम्मान मिलता था। आज जहाँ पे जिस प्रदेश में या कहीं जिस ज़िला में भी मैं जाती हूँ वहाँ पर हमें पुरुष से ज़्यादा महिलाएं दिखती है, क्योंकि हर एक महिला, बहुत से हमारे बीच में ऐसी महिलाएं जो बीडीसी है डीडीसी हैं कॉरपोरेटर है हमारी पंच सरपंच बहनें, तो बोलने का मतलब ये है कि जो मान सम्मान का जीवन अब इन बहनों को मिला है पहले कभी नहीं मिला। और बहनों में भी बहुत उत्साह रहता है, वो खुद कहती है कि जब भी इलेक्शन हों हम भारी से भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी का सहयोग देंगे और जो हमारा एक संकल्प है जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने का, अपना मुख्यमंत्री बनाने का, तो ये तभी संभव है जब ये सब महिलाएं जो हैं जी जान से इस काम में उतरेंगी और खुद भी मतदान करेंगी बाकियों को भी बोलेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय